सो हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड बढ़िया ही रहना चाहिए। एंड गाइस, आज हम करने वाले ये वाली फोटो एडिटिंग जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, ये काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। एंड इस फोटो एडिटिंग में गाइस आपको जो भी बैकग्राउंड्स एंड पीएनजी तो नहीं है, बैकग्राउंड ही है। एंड आपको बैकग्राउंड का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैंने आपको एक प्रीसेट दिया है जिससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने वीडियो में बताया है कि प्रीसेट का यूज़ कैसे करते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, क्योंकि मैं जो भी फोटो एडिट करता हूँ उसको आप लोग के साथ शेयर करने के उसे डालता हूँ मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर से दबाना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड आप मुझे फॉलो करना भी मत भूलना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू रोहित फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज हम करने वाले ये वाली फोटो एडिटिंग जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में आपको जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी चाहिए उन सब का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड इसका मेरे पास प्रीसेट है जो कि मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको खाली बस प्रीसेट अप्लाई करना रहेगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, पिक्सआर्ट में। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं पिक्सआर्ट में। एंड पिक्सआर्ट में आने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, इस पर टैप करेंगे एंड ऑल फोटोज़ पे टैप करेंगे। ऑल फोटोज़ पे टैप करने के बाद गाइस आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा। सो गाइस, ये रहा बैकग्राउंड। एंड गाइस, बैकग्राउंड लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड फोटो पे जाएंगे। एंड ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस हमारा एक जो मॉडल पीएनजी है जो कि मैंने क्रॉप करके रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस, अगर आपको फ़ोटो कटिंग करना नहीं आता कि फ़ोटो कैसे क्रॉप की जाती है, कटिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। एंड उसका लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं एंड फ़ोटो कटिंग करना सीख सकते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं इस फ़ोटो को बड़ा। एंड बस गाइस, हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर लेके आना है। ओके, बस। एंड गाइस, अब हमें कर देना है यहाँ से राइट। एंड गाइस, इस फोटो में गाइस आपको बस ज़रूरत होगी ये बैकग्राउंड की जो कि हमारा पीछे वाला बैकग्राउंड है। एंड पीएनजी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास एक सनग्लासेस का पीएनजी है जिसको मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि मुझे मेरा फेस खाली खाली लग रहा है सनग्लासेस एंड हेयर पीएनजी। तो चलिए चलते हैं मैं ऐड फोटो पे। एंड पहले कर लेते हैं अपने सनग्लासेस को ऐड, ये रहा। एंड गाइस, इसको करते छोटा। ओके, एंड गाइस अब हम इरेज के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, इसकी इरेजनेस को हार्डनेस फुल करके। एंड यहाँ पे जो है इरेज, इसको जूम करके इसको इरेज कर देंगे ताकि लगना चाहिए कि हमारे कान के ऊपर है। एंड अब हम जाते हैं गाइस यहाँ से एडजस्टिंग में, थोड़ा सनग्लासेस का एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड क्लियरिटी वगैरह। एंड यू ये थोड़ा ह्यू ले लेंगे। एंड इसको ओके। एंड गाइस, अब हम यहाँ से राइट इसको कर देंगे। एंड यहाँ से भी राइट। राइट करने के बाद गाइस अभी भी हमारा एक काम बाकी है जो कि मैंने हेयर पीएनजी डाउनलोड किया हुआ है क्योंकि मेरा फेस काफ़ी खाली लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा है हेयर पीएनजी लगा देते, काफ़ी अच्छा लुक बन जाएगा उससे। सो हमें लेना है हेयर पीएनजी, कौन सा हमें लेना है गाइस, ये वाला हेयर पीएनजी, इसको ऐड कर लेंगे। एंड इसको जाते हैं फ्लिप एंड रोटेट पे। ओके,
एंड गाइस अब हमें इरेज को लेना है एंड इरेजिंग सिलेक्ट करके इसकी हार्डनेस और ओपेसिटी कम करेंगे एंड अपनी फोटो करेंगे जूम एंड इसको यहाँ से इरेज कर देंगे हल्का हल्का। ओके एंड अब हम कर देते हैं यहाँ से गाइस इसको थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा नहीं करना है, फ़ोटो पे बराबर सेटअप होना चाहिए। एंड गाइस हम कर देते हैं इसको यहाँ से राइट एंड राइट करने के बाद गाइस मुझे ये मेरा जो मेरा ओरिजिनल हेयर है उसका यहाँ पे कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो इसको मैं जाता हूँ पहले टूल्स पे एंड ये क्लोन का ऑप्शन लेता हूँ। क्लोन का ऑप्शन लेने के बाद गाइस इसको क्या करते हैं, ये क्लोन को जो है इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे एंड इसको बस ऐसे हम इरेज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है हेयर का वो गायब हो रहा है। ओके एंड हम कर देते हैं यहाँ से गाइस इसको राइट एंड गाइस अब हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एंड गाइस अब हमें इस फोटो को कर लेना है सेव। सेव करने के लिए यहाँ ड्रॉ टूल पे जाएंगे, ड्रॉ सिलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड सेव टू इमेज करेंगे तो फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। एंड गाइस अब हमारा आता है सेकेंड लाइट रूम में काम, तो हम चलते हैं लाइट रूम में एंड अपनी फ़ोटो को देते एकदम रियलिस्टिक वाला लुक। तो चलिए चलते हैं हम लाइट रूम में। ओके सो गाइज अब हम आ चुके हैं लाइट रूम में एंड गाइज लाइट रूम में आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे कैमरा के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला एंड इसको गाइज हम जाते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं एंड जो हमने अपनी फ़ोटो पिक्सआर्ट में एडिट की है जो कि हमारी गैलरी में आई हुई है उस फोटो को हमें कर लेना है गाइज सिलेक्ट ये रहा एंड इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइज हमारी फ़ोटो आ चुकी है एंड गाइज आपको मेरे पास जो प्रीसेट है पहले मैं दिखा दूंगा आपको, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा गाइज वो कुछ ये वाला प्रीसेट रहेगा एंड आपको बस क्या करना है थ्री डॉट पे क्लिक करके इस प्रीसेट को कर लेना है कॉपी सेटिंग एंड ओके कर देंगे। एंड गाइज अब हम जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद गाइज हम लेते हैं अपनी फ़ोटो एंड गाइज अपनी फ़ोटो लेने के बाद गाइज अब आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में अभी रियलिस्टिक वाला बिल्कुल भी लुक नहीं है एंड उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, पेस्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको पेस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। तो गाइज देख सकते हैं हमारी फ़ोटो एक ही क्लिक में डन हो जाएगी एंड गाइज मैं आपको इसकी क्लियरिटी दिखाता हूँ, देखिए ज़रा सी भी इसकी क्लियरिटी नहीं घटी हुई है। एंड गाइज आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी फ़ोटो पिक्सआर्ट में एडिट करने के बाद किस तरह की थी। सो गाइज देख सकते हैं हमारी ये जो फ़ोटो है ये हमने जब पिक्सआर्ट में एडिट करके सेव की थी तो हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह की थी एंड जब हमने लाइट रूम में जाके इसकी कलर करेक्शन किया एकदम परफेक्टली तो हमारी फ़ोटो देख सकते हैं कुछ इस तरह की हो चुकी है। एंड गाइज मुझे अभी भी मेरे सनग्लासेस का परछाई नहीं दिख रहा है मेरे फेस पर, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट टूल पर जाता हूँ, सिलेक्ट क्लिक करता हूँ एंड ये सर्कल वाला ऑप्शन लेते हैं एंड इसको यहाँ पर अपने सनग्लासेस के पास ऐसे करते हैं। एंड गाइज अब हम जाते हैं यहाँ से इसका एक्सपोजर माइनस करते हैं एंड इस पर जो हमने ये जो लिया है सर्कल इस पर हम टैप करके रखेंगे कुछ देर तक, तो यहाँ पे डुप्लीकेट मास्क आएगा एंड डुप्लीकेट मास्क को ले लेने के बाद गाइज हम इसको कर देंगे यहाँ पे एडजस्ट। ओहो गाइज ये अच्छे से एडजस्ट नहीं होता है। ओके सो गाइज हमारी फ़ोटो हो चुकी है डन, अब हम कर देते हैं गाइज यहाँ से राइट। राइट करने के बाद गाइज देख सकते हैं हमारी फ़ोटो बिल्कुल भी तैयार हो चुकी है एंड ऐसा लग रहा है कि हम बीच पे रियल में बैठे हुए। एंड गाइज अब हमें इस फोटो को कर लेना सेव। सेव करने के लिए गाइज हम क्या करेंगे यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड सेव टू डिवाइस करेंगे ओके कर देंगे, तो गाइज हमारे फ़ोन में जो भी हाई क्वालिटी अवेलेबल होगी उस क्वालिटी में फ़ोटो सेव हो जाएगी। एंड गाइज फोटो सेव होने के बाद हम आप अपनी गैलरी में जाके चेक कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ फ्यूचर में उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे एंड आप सबसे पहले देख सकें हमारी वीडियो। तो हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तो चलिए चलते हैं बाय।